आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और चौथे चरण के लिए बुधवार को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने 5वें चरण के लिए हुंकार भरी। पीएम ने दावा किया कि आप सब जो यहां पर इतनी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन घोर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए गोर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के लोगों ने भी बहुत भेदभाव झेला। झेला था कि नहीं झेला था? आपके साथ भेदभाव होता था कि नहीं होता था? अब योगी जी की सरकार पिछले 5 सालों से हर वो प्रयास कर रही है जो आपके जीवन में सहूलियत ला सके, जो गरीब को सम्मान दे सके। और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी बाधा थी यूपी की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। बीते 5 साल में भाजपा सरकार यहां की कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आई है। आज यूपी के 4.5 करोड़ से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन इस योजना से जुड़े हुए हैं। और आपको खुशी होगी, इस सुरक्षा की वजह से भी यूपी के गरीब परिवारों को बीते वर्षों में करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है। 1000 करोड़ रुपया। हमारी सरकार संकट के समय कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि गरीब परिवार का संबल बन करके खड़ी रहती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के दौरे पर रहे, जहां पर प्रतापगढ़ में एक चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक काम किया और पाकिस्तान के आतंकवादियों का घर में घुसकर सफाया किया है। मोदी ने संदेश दे दिया है कि भारत की सेना और सीमा की तरफ कोई भी आंख उठा के अब नहीं देख पाएगा। अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला
अगर फुलटोस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो भाई। करेंगे क्या? अखिलेश बाबू, आज मैं हिसाब देने भी आया हूँ और आपका हिसाब मांगने भी आया। अखिलेश भाई, आप बता दो, आपकी सरकार रही सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने 15 साल राज किया, कभी शौचालय बने थे क्या? जरा जोर से बोलो, बने थे क्या? रानीगंज वालों, ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? बड़े बड़े शहरों में आती थी, हम गांव वालों के पास आती थी क्या? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 घंटा से 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 1 करोड़ 41 लाख घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी, एक बार फिर से सरकार बना दो, किसी भी किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त में। उत्तर प्रदेश में जहां कल चौथे चरण का मतदान होने वाला है, वहीं 5वें 6वें और 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को देवरिया के रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यदि सपा सत्ता में आई तो अखिलेश यादव आतंकियों की रक्षा करेंगे। विधायक हमारा माध्यम है, इनके माध्यम से आपके आशीर्वाद से देवरिया की, रुद्रपुर की, उत्तर प्रदेश की और देश की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। इस बात को और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी उंगली में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। कैसे बदलाव लाते हैं उसको समझने की जरूरत है। देखिए, आपने जयप्रकाश निषाद को चुनाव जिताया, मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? इनके बनने से आपने अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया था। ये मंत्री बने और इन्होंने 5 साल में बताइए यहां मेडिकल कॉलेज अप्रूवल कराया कि नहीं कराया? आपके सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताइए बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? तो इसलिए याद रखो कि यह व्यक्ति को भेजना नहीं होता, व्यक्ति के माध्यम से अपने आप को विकास के साथ जोड़ना होता है। इसको हमको समझना। अब आपने अभी आपने नारा जय श्री राम का लगा दिया। अब देखिए, ये नारा तो सदियों से लग रहा है और सदियों से हमारी इच्छा थी कि हम वहां पर जय श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनाए, थी कि नहीं थी? लेकिन इसी को जब सरकार और आदमी गलत भेजा था तो बताइए राम भक्तों पर गोली चलाई थी सपा ने कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? इन्हीं कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि को लटकाया था, भटकाया था, अटकाया था कि नहीं अटकाया था? अटकाया था कि नहीं अटकाया था? लेकिन जब आपने अपनी उंगली से सही बटन दबाया,
कमलेश पासवान को भेजा तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से भव्य राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी से पांचवें चरण के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करना मेरे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी को इसी पे आपत्ति है, वह नहीं चाहती है कि प्रदेश का विकास हो। हमारी सरकार के समय तो सब नर करही परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब उसकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। पेशेवर माफिया और अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के प्रति थी। तब वह दंगाइयों का सहयोग कर रही थी। कौन सा ऐसा कस्बा, कौन सा ऐसा जिला था जिसमें दंगे नहीं होते थे? इस समाजवादी पार्टी की पहचान दंगों से थी, अपराधियों से थी, माफियाओं से थी, अराजक तत्वों से थी। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान राम राज्य की स्थापना के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं से है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं से है। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। और इसी में समाजवादी पार्टी को परेशानी है, विपक्ष को तो इसी बात की परेशानी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं यहां पर बाबा गोरखनाथ के पक्ष में, समर्थन में आपसे अपील करने के लिए। देखिए, जब अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगी तो भाइयों बहनों, ये पांचों सीटें जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 325 सीट का मतलब एक मजबूत और दमदार सरकार होगी, दमदार सरकार। मुझे बात बताओ कि वैक्सीन भी आपको दी गई फ्री में, टेस्ट भी फ्री में, उपचार भी फ्री में, और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का मिला कि नहीं मिला? राशन मिला है ना? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार भी में भी ऐसे ही राशन मिलता था? बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, कांग्रेस के समय, भाइयों बहनों, जब ये लोग आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकते तो इनको सिर में ढोने की आवश्यकता क्या है? इनको विसर्जन कर देने की आवश्यकता है। सहमत है? मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल खंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर जा रहे थे, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, हमारे सांसद विधायक पदाधिकारी जनता जनार्दन की सेवा में लगे थे, क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग भी क्या आपका हालचाल लेने के लिए आ रहे थे? किसी का आता पता था? भाइयों बहनों, वैक्सीन के बारे में भी इन्होंने दुष्प्रचार किया था ना, कहा था ना कि ये मोदी वैक्सीन है, कहा था ना ये बीजेपी वैक्सीन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो हमें इस वैक्सीन को लेकर के इसी का साथ भी देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था,
उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, और कंप्लेंट क्या की है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि सरकार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन जो दे रही है नहीं देना चाहिए। हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद आने दीजिए सरकार, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, 2 करोड़। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का भी धुआंधार कैंपेन जारी है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ दौरों पर रहे, जहां पर वो सिराथू पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने उपमुख्यमंत्री और सिराथू से बीजेपी उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों ने अब अपना मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होना है। पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आ गए हैं, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा, जब पांचवें छठवें सातवें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। ये कृष्णा के मैदान में जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कृष्णा का उत्साह और आसपास की विधानसभा का समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों के चने दबाने पड़ेंगे, लोगों के चने। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती कि नहीं बोलती है? इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ हमारे किसान भाइयों युवती की आय दोगुनी हो गई हो बता दो। आप जब खाद लेने गए थे बताओ खाद मिली थी क्या आपको? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये लाल वाला गैस का सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई? पेपर आउट हुए कि नहीं हुए? कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है, उस मैनिफेस्टो को हम लागू करने का काम करेंगे। इधर हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट बोलने के लिए बोलते हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के लिए बोल रही है? इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती भी बहराइच दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेसियों को जातिवादी पार्टी बताते हुए कहा कि आजादी के बाद केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनकी गलत नीतियों और कार्यप्रणाली की वजह से वह सत्ता से बाहर हो गई। सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां खासतौर से विकर सेक्शन के मामले में, दलितों के मामले में
पिछड़ों के मामले में, अकलियतों के मामले में एक ही थैली की चक्की बढ़ती है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व्यवस्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही उनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव, नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, मुस्लिम व अन्य अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। और इसी के साथ प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।